नगर परिषद द्वारा सड़क नहीं बनाए जाने के विरोध में वार्ड 10 की महिलाओं ने गुरुवार को मनासा मार्ग पर जैन स्नातक के सामने सड़क जाम कर धरना दिया व नारेबाजी भी की। करीब 3 घंटे तक चले धरने से वाहन चालक परेशान होते रहे। महिलाओं की मांग थी कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मौके पर आकर सड़क बनाने का आश्वासन दे। एसडीएम मुकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस, राजस्व व नगरपालिका अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन महिलाएं धरने से उठने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि मंत्री देवड़ा मौके पर आए और समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दे। बाद में भाजपा मंडल अध्यक्ष सामन सिंह शक्तावत ने आंदोलनकारियों से मंत्री देवड़ा के मोबाइल पर बात करवाई। उन्होंने कुछ दिनों बाद सड़क का कार्य चलाने का आश्वासन दिया, तब जाकर दोपहर 3 बजे जाम समाप्त किया गया। बाद में वार्ड वासियों ने अधिकारियों को वार्ड का भ्रमण कराकर समस्याएं बताई। मौके पर आए एसडीएम मुकेश शर्मा को दिए आवेदन में रहवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 10 में शिव मंदिर गली से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व मनासा मार्ग से डॉक्टर अरुण मुंदड़ा के घर तक की सड़क जर्जर हो रही है। जगह जगह गड्ढे हो जाने से वाहन चालक व रहवासी परेशान है। धूल उड़ने से रहवासी बीमार हो रहे हैं। वार्ड की महिलाओं ने 13 जनवरी को एकत्रित हो नगर परिषद व पुलिस चौकी में आवेदन देकर सड़क समस्या का निराकरण नहीं होने पर सड़क जाम की चेतावनी भी दी थी, लेकिन नगर पालिका ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। धरना दे रही महिलाओं को आश्वासन देने आए नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज ने जब महिलाओं से कहा कि आपकी लड़ाई में मैं साथ हूं, तो नगर कांग्रेस अध्यक्ष विष्णु फरकिया ने आपत्ति लेते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाई। फरकिया ने कहा कि 5 साल आप अध्यक्ष रहे, तब क्यों यह सड़क नहीं बनाई? इसके बाद दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। वार्डवासियों ने भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भारद्वाज को खरी खोटी सुनाई, फिर वे मौके से चले गए। इस अवसर पर वार्ड की महिलाएं ललिता पोरवाल, सुधा रत्नावत, मधुबाला कौशिक, रमीला पटेल, दिलकुश जैन, ममता धनोतिया, रीना पाटीदार, कश्मीरा जैन, मोनिका जैन, काजल जजवानी, रोशनी हेतवानी, दीपा होतवानी एवं दिनेश पाटीदार, मुकेश गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, विष्णु जैन, अक्षय कौशिक, अनिल मुंदड़ा, स्वप्निल ओझा, गोपाल मुंदड़ा, महेश मुंदड़ा, विक्रम जैन उपस्थित रहे। धरना दे रहे वार्डवासियों को कांग्रेस ने भी समर्थन करते हुए प्रशासन से शीघ्र सड़क बनवाने की मांग की।